देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों देश के पांच कौमी कमिश्नर विचों दो कमिश्नर के चेयरमैन पंजाब के सपूतों को लगा के पंजाब के प्रति अपना प्यार प्रगट किया गया सी। यह कहना सी नूरपुर बेदी के एक पैलेस विच बीजेपी की चोण रैली को संबोधन करदिया बीजेपी के कौमी प्रधान जे पी नड्डा का रूपनगर तो बीजेपी संयुक्त अकाली दल ते पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के साझे उम्मीदवार इकबाल सिंह लालपुरा की चोण रैली को संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि पंजाब एक सरहदी सूबा है जिसकी 600 किलोमीटर सरहद पाकिस्तान के नाल लगती है, पर पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है जो भारत के ड्रोना राही नशा और हथियार भेज रहा है। इसलिए पंजाब दे विच एक मजबूत सरकार की लोड़ है जो सिर्फ बीजेपी और सहयोगी दल ही दे सकते हैं। इस नाल ही जे पी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने करतारपुर लांघे नूं भी संभव बनाया। आज मोदी जी ने गुरुद्वारे के लंगर पर से टैक्स हटा दिया है और जीएसटी और आईजीएसटी का 350 करोड़ रुपए सालाना भारत सरकार उसका भुगतान करती है, ये हमको ध्यान में रखना। कभी सोचा था आज जो लोग जिस तरीके से खड़े होकर के बात करते हैं, जो काम मोदी जी ने किया वो किसी ने किया था? आप बताइए, पाकिस्तान और भारत का विभाजन 47 में हो गया, नानक साहब जाना हमारे लिए दूभर हो गया, वीजा लेकर के जाना पड़ता था, पासपोर्ट लेकर के जाना पड़ता था। इतने सालों से बोल रहे थे कि हम नानक साहब के दर्शन कर सके, हम वहां जा सके, नानका साहब जा सके, किसी ने भी करतारपुर कॉरिडोर की बात की सुध नहीं ली। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया, उन्होंने पाकिस्तान से बात की, 120 करोड़ रुपए खर्च करके कॉरिडोर बना करके दिया और आज आप वहां दर्शन करने जा सकते हैं, यह परिस्थिति ला करके। उसी तरीके से गुरु नानक जी की वाणी, गुरु नानक जी के द्वारा कहे हुए शब्द, उनका रिसर्च वह सारे देश में फैले, इसके लिए भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरस्टेट फेथ, इस बात के लिए वहां पर भी उसकी व्यवस्था की गई और 67 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ इस शिक्षा के लिए कि गुरु नानक जी की वाणी, गुरु नानक जी के कही हुई बात ये दुनिया भर में फैले और दुनिया भर में जो उन्होंने काम किया उसको बताया जाए, इसके लिए 67 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके वहां पर उस काम को शुरू किया, रिसर्च शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह जी का 350 प्रकाश पर्व मनाया गया, जिस धूमधाम से मनाया गया और जिस तरीके से भारत सरकार में मोदी जी के संरक्षण में और मोदी जी की देखरेख में यह प्रकाश पर्व मनाया गया, क्या हम भुला सकते हैं इसको? सारी पंजाब सरकार कांग्रेस की सरकार थी, हमने ये नहीं देखा कि ये सरकार किसी और की सरकार है, हमने ये देखा कि पंजाब के लोग हमारे हैं, उनके द्वारा जो गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, आज कांग्रेस के लोग आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, तरह तरह के लोग लुभाने वादे कर रहे हैं। आपको याद है 1984 के दंगे? आपको याद है क्या कहा था उस समय के प्रधानमंत्री ने कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? यानी 1984 के दंगों को ठीक ठहराते हुए उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने। याद करना चाहिए कांग्रेस के साथियों को, याद करना चाहिए कांग्रेस को, किसी ने सुध नहीं ली। 30 साल तक हमारी माताएं जो विधवा हुई थी, हमारी बहनें जिनके कोख सुने हुए थे, दिल्ली में, दुनिया भर में, देश भर में जिस तरीके का तांडव नृत्य हुआ था मानवता का, उस समय कोई पूछने वाला नहीं था और 30 साल तक नहीं पूछा। 30 साल दंदनाते रहे दिल्ली में, मौज मनाते रहे दिल्ली में, किसी ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की। आपने 2014 में मोदी जी को बैठाया, उन्होंने एसआईटी बैठाई और 30 साल बाद अब उन लोगों को तिहाड़ जेल में पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये भी याद रखना। जलियांवाला बाग में साउंड एंड लाइट का कार्यक्रम करना,
घर की ट्रस्ट बना रखी थी उसको फिर से मेमोरियल ट्रस्ट बनाना, अपने वीर सपूतों को याद करना, यहां से लेकर के स्वदेश दर्शन के लिए फतेहगढ़ साहब, अनंतपुर साहब, चमकौर साहब, फिरोजपुर अमृतसर साहब, खतकर कला कल्लानौर साहब, फिर हमारे पटियाला हेरिटेज, इन सबको स्वदेश दर्शन में जोड़ने का काम अगर सर्किट में किया है तो नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में बैठी सरकार ने किया, उनके नेतृत्व में हुआ है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों आज हमारे यहाँ जब 2014 में मोदी जी ने बागडोर संभाली तो सिख भाइयों को नौजवानों को 18 लाख स्कॉलरशिप थी सर, आज 32 लाख स्कॉलरशिप है, बढ़ा दी गई है। उसी तरीके से 1600 नए स्कूल बना करके दिए हैं, उसी तरीके से 6 नए नवोदय विद्यालय दिए, 665 हॉस्टल बना करके दिए। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। YouTube दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।